हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हम निफ्टी पर आते हैं, तो निफ्टी में दोस्तों आप देखेंगे कि 2 दिन 3 दिन से मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि मार्केट हमें कैंडल्स क्या इंडिकेशन दे रही हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम के बाद मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई है। डोजी के बाद थोड़ी सी नेगेटिवनेस, सॉरी इसको दो कर देता हूँ जी। ठीक है, तो अब इसमें हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए वो हम देखेंगे दोस्तों। ये देखिए, ये मार्केट एक रेंज बाउंड में है। ठीक है, और एक अपना क्रूशियल सपोर्ट जोन बना रहा है जो कि उसके लिए ये है। ठीक है, अगर मार्केट इसके बिलो हमें जागता हुआ दिखता है तो हम मार्केट में कहीं ना कहीं करेक्शन की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं और एक अच्छा खासा थोड़ा सा इन द मनी। और अगर इसने इस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया तो हम कहीं ना कहीं आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हैं पुट ऑप्शन में। ठीक है, और एक अच्छा खासा इंट्रा डे का टारगेट तो हम इसमें अचीव कर जाएंगे। ठीक है, बट दोस्तों अगर ये मार्केट हमें थोड़ा सा वापस से यहाँ से एक रिवर्सल देता है, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट जोन से रिवर्सल देता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तब तो हमारी अपॉर्चुनिटी क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इस लेवल के ऊपर अपनी बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि 16,285 के अराउंड का लेवल है। ठीक है, और आप जो अपना फर्स्ट टारगेट है दोस्तों इस जोन तक का रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड टारगेट के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट अगर इतना मूव दे रहा है आपके लिए तो वही बहुत होगा इंट्राडे के लिए तो दोस्तों। ठीक है, तो आप फर्स्ट टारगेट अपना यहां तक का रख के एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट आपका अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है ना, तब तो आपको एक पुट साइड का भी एक बहुत अच्छा शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी ग्रैब हो जाएगी। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, इंडेक्स पे सॉरी, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेवल्स पहले ही बना के लाता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे बैंक निफ्टी में दोस्तों, तो अगर मार्केट 35,990 के अराउंड के लेवल पर सस्टेन कर जाता है ना दोस्तों, तब आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कॉल साइड की। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट जो रख के चलना है अपना दोस्तों वो है 36,220 के अराउंड का दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बट मार्केट अगर इस रेंज में घूमता रहा तो ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। कल आप इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, या तो वेट करेंगे ये ऊपर की साइड ब्रेक दे, वरना आप वेट करेंगे कि 35,680 के अराउंड का लेवल ब्रेक हो और ये हमें नीचे की साइड एक अच्छी खासी शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी भी इसमें मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे की साइड दोस्तों आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 35,450 के अराउंड का। ठीक है, और जो सेकंड टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 35,230 के अराउंड का। ठीक है दोस्तों, तो इन लेवल्स के लिए कल आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करके चलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमारे ग्लोबल क्यूज हैं वो मैं आपको ग्लोबल क्यूज भी दिखाया था, हमारे इंडेक्सेस जी ग्लोबल क्यूज भी आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी हमारा साइडवेज में क्लोज हुआ है, डो जोन्स भी हमारा साइडवेज में क्लोज हुआ है, यूके मार्केट भी हमारी कहीं ना कहीं साइडवेज में ही क्लोज हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इससे हमें इंडिकेशन यही मिल रही है। ठीक है, सॉरी यूके मार्केट भी आप देखेंगे तो साइडवेज ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो आप इसमें हमें एक चीज क्लियरली देखने को मिल रही है कि मार्केट तो कहीं ना कहीं साइडवेज ही खुलेगी कल। ठीक है, बट जो हमें मोमेंटम ग्रैब करना है वो मोमेंटम हमें दोस्तों इसके ब्रेक इन रेंज के ब्रेक होने के बाद ही ग्रैब हो पाएगा। अब दोस्तों आते हैं हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे, तो सबसे पहला स्टॉक हम मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है एसीसी। एसीसी में दोस्तों मैं कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं लेके आया अपनी। ठीक है, ये एक सिंपल बहुत अच्छा खासा बुलिशनेस दिखा रहा था, अच्छी खासी हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन। अब दोस्तों ये इसको रीटेस्ट करने आया है। ठीक है, अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस जोन को एज अ सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी इसने पिछली जब भी करा टच तो इसने एक अच्छा खासा हमें बुलिश मोमेंटम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें दोस्तों कल हमें एक अगर हमें मार्केट में थोड़ी पॉजिटिवनेस दिखती है, ठीक है, तो इसमें भी हमें एक अच्छा खासा बुलिश साइड का मोमेंटम तो मिल जाएगा। ठीक है, और जो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो तो बहुत छोटा, अराउंड इसके नीचे, या फिर जो हमारा कहीं थोड़ा सा मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप को खुलने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेगा, उस रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे रख के एक अच्छा खासा मोमेंटम हम इसमें ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा क्योंकि कल ये आपको एक अच्छा खासा इंट्राडे का मोमेंटम तो देने वाला है।
ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी दोस्तों मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक बॉटम साइड पे, बॉटम साइड मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे पहले दिखाता हूँ, आप देखिए तो ये करीब, ये देखिए ये करीब आपका जनवरी से सिर्फ नीचे की तरफ ही मोमेंटम दे रहा है, ऊपर की तरफ ही आया ही नहीं। अब इसके लिए ये क्रूशियल लेवल से ये सपोर्ट जोन, ठीक है, जिस पे ये आके एक काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, वो पैटर्न क्या बना रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये पैटर्न बना रहा है दोस्तों, ये हेड एंड शोल्डर का, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हमें एक अच्छा खासा बुलिश साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसने हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा तो दोस्तों इस स्टॉक को आप सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं, अपने एक स्विंग अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा ग्रैब कर सकते हो, और एक इंट्राडे का टारगेट भी आपको इसमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बट आप वेट करेंगे कि आपकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, अराउंड 737 के अराउंड का लेवल ब्रेक हो, उसके बाद आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में दोस्तों हमारे लिए मैं आपको एक सिंपल सा दिखाना चाहूंगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं मोस्ट ऑफ द अपनी एनालिसिस प्राइस एक्शन के बेस पे करता हूँ, इंडिकेटर्स आप देखेंगे तो मेरे चार्ट पे होते ही नहीं है, और होता भी है तो दोस्तों मेरा खुद का एक, मैंने खुद का अपना इंडिकेटर बना रखा है, ठीक है, इनकम के नाम से, तो मैं उसी को ज्यादातर यूज करता हूँ। तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये मेन इंडिकेटर क्या काम करता है हमारा, किस तरीके से मेरे को हेल्प करता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें एक चीज देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस की टाइप से फेस हो रही थी ट्रेंड लाइन इसको, ठीक है, और इसके ब्रेक के बाद आप देखेंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिला। अब ये इसको रिट्रेस करने आया, ठीक है, कल के दिन, फ्राइडे के दिन सॉरी, ठीक है, और इसमें ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हुई और अब इसने इसको ब्रेक करा, ठीक है, लास्ट के टाइम पे। तो दोस्तों कल इसमें हमें हो सकता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, ठीक है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव खुल के फिर ब्रेक दे, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर खुले तो वापस रिट्रेसमेंट के लिए आए। तो दोस्तों मार्केट ना जैसा हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं उसके बेसिस पे नहीं चलता कि हमने ऐसा कराया तो मार्केट भी ऐसी चलेगी, ठीक है, मार्केट का चलने का तरीका अपनी मर्जी से चलेगी, वो हमें उसके मुताबिक चलना होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमें कहीं किसी भी तरफ का एक मतलब ओपनिंग देता है, ओपनिंग के बाद हम उसमें उसके प्रीवियस जो उसकी एक रिजेक्शन होगी, एक करेक्शन होगी, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और उस स्टॉप लॉस के बाद हम एक अच्छा खासा 1:2 का टारगेट तो इसमें अचीव करके चलेंगे। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक को भी कल आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि इंट्राडे में तो आपको ये बहुत अच्छा टारगेट देने वाला है। अब दोस्तों आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे जो कि है सन फार्मा। सन फार्मा में भी दोस्तों कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सन फार्मा ने एक अच्छा खासा 10% का मूव दिया हमें, उस 10% के मूव के बाद ये एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है जिसमें एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ पैटर्न में फंस रहा है, ठीक है, और ये सिमेट्रिकल पैटर्न आपको पता ही है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ अपनी हर वीडियो में आपको जैसे मैं बताता हूँ कि ये किसी भी साइड हमें ब्रेक दे सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये किसी भी साइड हमें ब्रेक दे सकते हैं, तो आप इसके ब्रेक होने का कल वेट करेंगे, ठीक है, और इंट्राडे में तो आपको कल अच्छा खासा इसमें टारगेट अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है दोस्तों तो लिंक नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।